अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स में सेमीकंडक्टर बेसिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के नाम से थॉमस एल्फ्राइड की बुक का चैप्टर नंबर 1 है। आज के इस वीडियो लेक्चर का एजेंडा मल्टीपल आइटम्स पर मुश्तमिल है। हम स्टार्ट करेंगे एटम से और एटॉमिक स्ट्रक्चर से, इसके बाद हम इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज की इस लेक्चर में एनर्जी बैंड्स, इन सेमीकंडक्टर्स को भी डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद सेमीकंडक्टर्स में करंट कैसी होती है और किस किस टाइप की है, इलेक्ट्रॉनिक और होल करंट में क्या डिफरेंस है, ये भी आज के लेक्चर में शामिल है। इसके बाद हम एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को पढ़ेंगे, डोपिंग के प्रोसेस को पढ़ेंगे, पी एन जंक्शन की फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे, डिप्लेशन रीजन की स्ट्रक्चर को भी डिस्कस किया जाएगा, एंड फाइनली एनर्जी डायग्राम्स इन पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल्स को भी हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को प्रिपेयर करने में जो रेफरेंसेस हमने इस्तेमाल की हैं, उसमें थॉमस एल्फ्राइड की बुक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंटरनेट रिसोर्सेज को यूज करके हमने इस लेक्चर को प्रिपेयर किया हुआ है। आइए बाकायदा तौर पर अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। एन एटम, एटम है क्या चीज? किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम कहलाता है। एटम वो पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन रखता है। राउंड अबाउट 118 एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। इनमें से हर एक एलिमेंट का जो एटम है वो दूसरे एलिमेंट से मुख्तलिफ है। यही वजह है कि हर एक एलिमेंट की एक यूनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर हो। सो बोहर मॉडल क्या है? बोहर मॉडल कहता है कि एटम्स हैव अ प्लेनेटरी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, यानी तमाम एटम्स प्लेनेटरी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें सेंट्रल पार्टिकल न्यूक्लियस कहलाता है और इसके इर्द गिर्द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसा कि फिगर नंबर 1 में इलस्ट्रेटेड है या मेंशन है। हम देख सकते हैं कि सेंट्रल पार्टिकल जो ब्लू और ब्लैक बॉल्स पर मुश्तमिल है, दिस इज द न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, जबकि ये पिंक कलर में जो आपको पार्टिकल नजर आ रहे हैं, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस दो पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स वो पार्टिकल्स हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन्स जो है वो अनचार्ज पार्टिकल्स हैं। तीसरा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। ऑर्बिट इज अ डेफिनेट पाथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन। हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक इंडिविजुअल पाथ होता है, जिसको कहा जाता है ऑर्बिट। शेल इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्बिट्स, या हम कह सकते हैं कि शेल इज एन एनर्जी बैंड वेयर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी शेल ग्रुप ऑफ ऑर्बिट्स है, दो या दो से ज्यादा ऑर्बिट्स मिलकर एक शेल बनाते हैं, या शेल हमारे पास एनर्जी बैंड्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व हो रहे होते हैं। कोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अलावा किसी भी एटम में जितना भी कुछ है वो सारे का सारा कोर कहलाता है। एटॉमिक नंबर, सर्टन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एटम। किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। ये एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट के एटम को दूसरे एलिमेंट के एटम से डिस्टिंग्विश करता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। इसी तरह से हीलियम के एटम्स में दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं, जबकि दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अपने अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व हो रहे होते हैं। सो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हीलियम के एटॉमिक नंबर से डिफरेंट है। पीरियोडिक टेबल में तमाम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर वाइज अरेंज किया गया है। इस फिगर में हम देख सकते हैं कि दिस इज द हाइड्रोजन एटम, जिसमें ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द स्फेरिकल या सर्कुलर ऑर्बिट में
रिवॉल्व हो रहा है। दूसरी तरफ हमारे पास हीलियम का एटम है जिसमें न्यूक्लियस में दो न्यूट्रॉन्स और दो प्रोटॉन्स हैं, जबकि दो इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिट्स में इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व हो रहे हैं। The atomic number equals the number of protons. Normally हम एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंसिडर करते हैं, जो कि सेम होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अगर हमारे पास एटम बैलेंस्ड है या न्यूट्रल है। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 एंड हीलियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है वो 2 है, पिछले एग्जांपल में हम पिछले स्लाइड्स में हम देख चुके हैं। इन नॉर्मल या न्यूट्रल स्टेट ऑल एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। नॉर्मली अगर हमारा एटम न्यूट्रल स्टेट में है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होगी। रिमेंबर द पॉजिटिव चार्ज कैंसल द नेगेटिव चार्ज, और चूंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर है तो वो दोनों चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल करते हैं एंड द एटम हैज अ नेट चार्ज ऑफ 0। इलेक्ट्रॉन्स एंड शेल्स, शेल्स एक्चुअल में एनर्जी लेवल्स हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट ओनली एट अ डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब मुख्तलिफ, सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट यानी एक दूसरे से मुख्तलिफ डिस्टेंसेस फ्रॉम द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से डिफरेंट फासले पर अपने अपने ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब होंगे उनकी एनर्जी लेसर है उन इलेक्ट्रॉन से जो न्यूक्लियस से दूर हैं। ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से जितने फासले पर होता है वही उसका एनर्जी लेवल होता है। इलेक्ट्रॉन्स एंड शेल्स, किसी भी एटम के अंदर ग्रुप ऑफ ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स कहा जाता है। इन एनर्जी लेवल्स का दूसरा नाम शेल्स है। हर एक एटम के फिक्स नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, हर एक शेल में फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन शेल्स को शेल नंबर 1, शेल नंबर 2 और शेल नंबर 3 एंड सो ऑन से रिप्रेजेंट किया जाता है। शेल नंबर 1 जो होगा वो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट होगा, उसके बाद शेल नंबर 2, फिर शेल नंबर 3 एंड सो ऑन। अगली स्लाइड में फिगर 1.4 में सिलिकॉन एटम का बोहर मॉडल शो किया गया है। नोट रखें कि सिलिकॉन के एटम में 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 प्रोटॉन्स और 14 न्यूट्रॉन्स हैं। क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये बीच वाला पार्टिकल न्यूक्लियस है जिसमें 14 प्रोटॉन्स और 14 न्यूट्रॉन्स हैं। पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि तीसरे वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यूं 2, 8 और 4 मिलकर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, पिछली स्लाइड में हमने देखा कि पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, दूसरे वाले में 8 थे और तीसरे वाले में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। सो एक क्वेश्चन बनता है कि कौन से शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं। ये जानने के लिए दो मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप हर शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को याद कर लें। आप याद कर लें कि पहले वाले में 2 होंगे, दूसरे वाले में 8 होंगे, तीसरे वाले में 18 होंगे, चौथे वाले में 32 होंगे एंड सो ऑन। दूसरा तरीका ये है कि आप वीक फार्मूला याद कर लें और इस फार्मूले की मदद से आप किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को फाइंड आउट कर सकते हैं। फार्मूला क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर वेयर n इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ शेल। इस फार्मूले की मदद से हम मालूम कर सकते हैं कि पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं। सो अगर हम n की जगह पर 1 रिप्लेस कर दें तो 1 को स्क्वायर 1 ही होता है एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2। सो इस फार्मूले की मदद से हमें पता चला कि
फर्स्ट शेल में हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पास कर लीजिए और कॉपी पेंसिल की मदद से इन मुख्तलिफ शेल में, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल नंबर 4, शेल नंबर 7 और शेल नंबर 11 में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मालूम कर लीजिए। जब आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लें तो फिर अगली स्लाइड में इसका सॉल्यूशन गिवन है, वहां से आप सॉल्यूशन देख लें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जैसा कि हमने पहले पढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स इन डिस्टेंस ऑर्बिट्स फ्रॉम न्यूक्लियस हैव हायर एनर्जी। जितना इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होंगे उतने ही उनकी एनर्जी ज्यादा होगी और यही वजह है कि वो एटम्स के साथ लेस टाइटली बॉन्डेड होंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड दैट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस बढ़ता जाता है इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जा रहा है। वो इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास हाईएस्ट एनर्जी होगी वो सबसे आखिरी शेल में मौजूद होंगे और ये शेल वैलेंस शेल कहलाता है और इस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितने भी केमिकल रिएक्शंस होंगे या इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग होते हैं लाइक आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा इन इलेक्ट्रॉन्स, इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का भी पता चलता है कि क्या वो इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है या कंडक्टर है। जब भी एक इलेक्ट्रॉन काफी सारी एनर्जी किसी भी एक्सटर्नल रिसोर्स से हासिल कर लेगा, ये अपने आप को इस एटम से छोड़ देगा एंड विल बिकम अ फ्री इलेक्ट्रॉन, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन आगे फिर मटेरियल में कंडक्शन का बायस बनता है। आयनाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग और गेनिंग अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाता है या गेन किया जाता है। हम इसके दोनों एस्पेक्ट्स को वन बाय वन कवर करेंगे। कहते हैं वन एन एटम एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल रिसोर्सेज, एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो रेस्ड। यानी जब भी कोई एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज भी रेज होंगी। ये इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में से, यानी जो वैलेंस शेल होगा और एटम की जो इन्फ्लुएंस होगी उससे आजाद हो जाएगा। जब भी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने एटम से डिपार्चर करता है तो अपने पीछे पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाता है, क्योंकि हमारे पास प्रोटॉन्स की तादाद इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में बढ़ जाती है। सो द प्रोसेस ऑफ लूजिंग अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनाइजेशन। इस प्रोसेस को आयनाइजेशन कहते हैं। और ये जो रिजल्टिंग पॉजिटिव चार्ज वाला एटम है इसको हम कहते हैं पॉजिटिव आयन, यानी ये आयन बन जाता है पॉजिटिव आयन। एस्केप्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अ फ्री इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सोडियम एटम हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 11, तो उसके पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल में आठ होंगे, तीसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। जब आप इस सोडियम एटम को एनर्जाइज करेंगे तो ये अपने आखिरी इलेक्ट्रॉन को लूज कर जाएगा एंड इट विल बिकम अ पॉजिटिव आयन एंड वी विल रिप्रेजेंट इट विद अ Na प्लस साइन। इसके रिवर्स में जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम के साथ कोलाइड करेगा और उसका हिस्सा बन जाएगा तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा, यानी जो वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने गेन की थी वो रिलीज करेगा। That atom which has acquired the extra electron is called a negative ion. और वो एटम जिसमें ये इलेक्ट्रॉन शामिल हो जाता है वो नेगेटिव आयन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करें तो पहले शेल में दो, दूसरे वाले में आठ और तीसरे वाले में सात होंगे। इस क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि वो सोडियम से हासिल कर लेता है और
नेगेटिव आयन बन जाता है, सो क्लोरीन विद अ नेगेटिव साइन। याद रखें एटम्स एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। सो स्टार्टिंग विद द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का मतलब है कि मैटर की कौन कौन सी क्लासेस हैं बेस्ड ऑन द कंडक्टिविटी। जैसा कि हम जानते हैं कि तमाम मटेरियल जो हैं वो एटम्स के बने होते हैं, ये एटम्स किसी भी मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में कंट्रीब्यूट करते हैं, इंक्लूडिंग एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट। यानी इन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट करना है। सो टू डिस्कस द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले हम इस एटम को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, वैलेंस शेल एंड अ कोर। वैलेंस शेल किसी भी एटम का सबसे आउटर मोस्ट शेल कहलाता है, जबकि कोर इस वैलेंस शेल के अलावा जितना भी कुछ उस एटम के अंदर मौजूद है, इंक्लूडिंग द न्यूक्लियस और उसके इनर शेल्स, वो कोर कहलाता है। इन दो चीजों को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल गिवन है फिगर 1.6 में। एक कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर 6 है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन एटम के पहले वाले शेल में, जिसको हम इनर शेल कहते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जबकि उसके वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह से कार्बन एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इसी वजह से उसके न्यूक्लियस पर +6 का पॉजिटिव चार्ज होता है। कार्बन एटम का जो कोर होगा उस पर नेट चार्ज +4 का होगा। यहाँ पर इस फिगर में, फिगर 1.6 में हम देख सकते हैं, ये कार्बन एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। सेंट्रल पार्टिकल जो कि न्यूक्लियस है उस पर +6 का चार्ज है। तो ये न्यूक्लियस और ये इनर शेल, ये दोनों मिलकर कोर बनाते हैं और इस पर +4 का पॉजिटिव चार्ज है, जबकि एक आखिरी शेल जो है, जो कि आउटर मोस्ट शेल है, ये उसका वैलेंस शेल है, जिसमें हमारे पास इस वक्त 4 इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हैं। सो व्हाट इज इंसुलेटर? इंसुलेटर है क्या चीज? वो मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट नहीं कर पाता अंडर नॉर्मल कंडीशंस, इज कॉल्ड इंसुलेटर। यानी हर वो मटेरियल जो नॉर्मल कंडीशंस पर इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट नहीं कर पाता, वो इंसुलेटर कहलाता है। ज्यादातर जो इंसुलेटर्स हैं वो कंपाउंड्स होते हैं रादर देन सिंगल एलिमेंट। इंसुलेटर्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम्स के साथ टाइटली बॉन्ड होते हैं। जैसा कि इस फिगर में हम देख सकते हैं कि इस एटम का जो आखिरी वैलेंस शेल है, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, वो तकरीबन फिल्ड है। इसी वजह से वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली जुड़े होते हैं और इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करने में बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। बस नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर हम कह सकते हैं कि इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स न होने के बराबर होते हैं या इतने कम होते हैं कि वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करवा सकते। इंसुलेटर की एग्जांपल्स में रबर शामिल है, प्लास्टिक है, ग्लास है, मीका है और क्वार्ट्ज। व्हाट इज अ कंडक्टर? कंडक्टर हमारे पास वो मटेरियल हैं जो कि इलेक्ट्रिकल करंट को इजीली कंडक्ट कर सकते हैं। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, कंडक्टर्स यानी कंडक्शन करने वाला मटेरियल। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। जितने भी मेटल्स हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, ये सारे मटेरियल्स आम तौर पर गुड कंडक्टर्स कहलाते हैं। बेस्ट जो कंडक्टर्स हैं वो हमारे पास सिंगल एलिमेंट मटेरियल्स हैं, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और एल्यूमिनियम। इंसुलेटर के केस में हमने कहा था कि बेस्ट इंसुलेटर और नॉर्मली कंपाउंड्स, जबकि कंडक्टर्स के केस में हम कह रहे हैं कि बेस्ट कंडक्टर्स और नॉर्मली सिंगल एलिमेंट। कंडक्टर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय एटम्स विद ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स के एटम्स में आमतौर पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि उसके वैलेंस शेल में मौजूद होता है। ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ लूजली बॉन्ड होता है और बहुत मामूली एनर्जी पर, इवन के रूम टेम्परेचर पर, ये
अपने वैलेंस शेल को छोड़कर फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो कंडक्टर्स होते हैं उस पर नॉर्मल कंडीशंस में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हर वक्त मौजूद होते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल आपको गिवन है, ये कॉपर एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 29 है, सो उसके न्यूक्लियस में 29 प्रोटॉन्स होते हैं, इस वजह से यहाँ पर प्लस 29 मार्क किया गया है। इस कॉपर के एटम में पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे वाले में 8 और तीसरे वाले में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मिलकर बना रहे हैं 28 इलेक्ट्रॉन्स। आखिरी शेल में जिसमें कैपेसिटी तो 32 इलेक्ट्रॉन्स की है लेकिन अवेलेबिलिटी हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की है, सो हम कह सकते हैं कि वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। सेमीकंडक्टर वो मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट करने की निस्बत से इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बीच में आता है। हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर जब प्योर हालत में होगा, जिसको हम इंट्रिंसिक स्टेट कहते हैं, तो ये ना ही अच्छा कंडक्टर है ना ही अच्छा इंसुलेटर है। हम इसको एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर वो मटेरियल है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज कंडक्टर्स की होंगी और कुछ प्रॉपर्टीज इंसुलेटर की होंगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर वो मटेरियल है जिसको कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर दोनों के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सेमीकंडक्टर्स सिंगल एलिमेंट में भी मौजूद है और कंपाउंड में भी मौजूद है। सिंगल एलिमेंट सेमीकंडक्टर्स में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम शामिल है। सेमीकंडक्टर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय एटम्स विद 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी सेमीकंडक्टर्स के जो एटम्स होते हैं उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स में गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फास्फाइड, गैलियम नाइट्राइड और सिलिकॉन कार्बाइड कॉमन सेमीकंडक्टर्स हैं। इन सेमीकंडक्टर्स में भी नॉर्मली हमारे पास इनके एटम्स में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। याद रखें सिलिकॉन जो है वो इन तमाम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में से सबसे वाइडली इस्तेमाल होने वाला सेमीकंडक्टर मटेरियल है। एक्सरसाइज के तौर पर यहाँ पर आपको कुछ एटम्स दिए गए हैं जिनके एटॉमिक नंबर्स के लिए आप पीरियाडिक टेबल यूज कर सकते हैं। आपने क्या करना है, कॉपी और पेंसिल की मदद से इन तमाम एटम्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रा करना है। जब आप ये खुद से परफॉर्म कर लें तब आप इसका सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा। अभी फिल वक्त थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर लीजिए और इन एटम्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर को ड्रा करने की प्रैक्टिस कर लीजिए। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द एक्सरसाइज। इसमें आप देख सकते हो कि कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 था, तो उसके पहले शेल में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 28, जबकि चौथे शेल के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था। कॉपर के अलावा सिल्वर, गोल्ड, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर भी यहाँ पर ड्रॉ किए गए हैं। जो रिमेनिंग हमारे पास एटम्स हैं उनके लिए आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिए और उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर इसी तर्ज पर ड्रॉ कीजिएगा। दी एनर्जी बैंड्स, हम आज के लेक्चर में हम दो किस्म के टर्म्स पढ़ेंगे, एक बैंड और एक बॉन्ड कहलाएगा। बैंड इज अ ग्रुप ऑफ समथिंग, हम कहते हैं यहाँ पर हमारे पास एटम्स में वैलेंस शेल होता है। वैलेंस शेल इज एक्चुअली ग्रुप ऑफ ऑर्बिट्स, हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक इंडिविजुअल ऑर्बिट होता है जो उसका एनर्जी लेवल भी कहलाता है। क्योंकि शेल हमारे पास ग्रुप ऑफ ऑर्बिट्स है तो हम इसको ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं। सो वैलेंस शेल एक्चुअल में हमारे पास वैलेंस बैंड है। When an electron acquires enough additional energy from external resources, it leaves the valence band. जब आपका electron external resources से enough additional energy हासिल कर लेता है तो वो अपने valence band को छोड़ देता है and become a free electron, free electron बन जाता है। Valence band के अलावा बाकी जितना भी उस मटेरियल में एरिया है वो उसका कंडक्शन बैंड कहलाता है। तो जब तक आपका इलेक्ट्रॉन
एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है वो वैलेंस बैंड में मौजूद होगा, और जब वो वैलेंस बैंड से निकलेगा तो वो कंडक्शन बैंड में मौजूद होगा। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है इसको एनर्जी गैप या बैंड गैप कहलाएगा। इसका मतलब ये होगा कि वैलेंस बैंड से निकलने और कंडक्शन बैंड तक जाने में या पहुंचने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको एनर्जी गैप या बैंड गैप कहा जाता है। एक दफा जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होता है तो फिर वो उस मटेरियल के अंदर फ्री हो मूवमेंट करता रहता है और वो किसी भी एटम्स के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता। फिगर 1.7 में एनर्जी डायग्राम्स शो किए गए हैं जिसमें से इंसुलेटर कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स के लिए अलग अलग एनर्जी डायग्राम्स गिवन हैं। याद रखें इंसुलेटर्स में हम कहते हैं ये जो एनर्जी गैप होता है ये तब ही पॉसिबल है कि आपका एक इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी गैप को क्रॉस कर सके जब हम उसको बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि आपको इस फिगर से नजर आ रहा है इंसुलेटर के केस में किसी भी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से निकाल कर कंडक्शन बैंड तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा एनर्जी गैप है, बहुत हाई एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा। इसके मुकाबले में जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं उनमें नॉर्मली बैंड गैप छोटा होता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज उसको क्रॉस करने के लिए काफी होगा। जैसा कि हम यहाँ पर इन डायग्राम्स में देख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप है, लेकिन ये एनर्जी गैप इंसुलेटर के मुकाबले में काफी कम है। फाइनली कंडक्टर्स के केस में नॉर्मली वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है आपस में ओवरलैप हो चुके होते हैं, सो हम कह सकते हैं कि देयर इज नो एनर्जी गैप, और हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में फ्रीली मूव कर सकता है। हेंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज अवेलेबल इन कंडक्टर्स। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप हो चुके हैं। कंपैरिजन ऑफ सेमीकंडक्टर एटम टू अ कंडक्टर एटम्स। एक सेमीकंडक्टर एटम्स का कंडक्टर एटम्स के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। सेमीकंडक्टर मटेरियल में हमने सिलिकॉन को कंसीडर किया हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर 14 है, तो उसमें 14 प्रोटॉन्स और 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जबकि इसके दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और फाइनली इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड कंडक्टर एटम के तौर पर कॉपर को कंसिडर किया गया है। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, तो उसके पहले वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 18, जबकि चौथे में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हम देख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनका न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। ये न्यूक्लियस के साथ टाइटली बॉन्ड है, इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकालने में हमें ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जबकि कॉपर आइटम में ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ लूजली बॉन्ड है, हमें इस इलेक्ट्रॉन को फ्री बनाने में या इस एटम में से निकालने के लिए बहुत मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इस स्लाइड में हम सिलिकॉन एटम्स और जर्मेनियम एटम्स जो कि दोनों ही सेमीकंडक्टर्स हैं उनका आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं। सिलिकॉन एटम का एटॉमिक नंबर 14 है, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स की इस तरह से है कि पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8 और तीसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जबकि इसके मुकाबले में जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 है, तो इसके पहले शेल में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 18, जबकि चौथे शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। सो चूंकि इनका वैलेंस शेल जो है वो हाफ फिल्ड है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एटम्स हमारे पास सेमीकंडक्टर एटम्स हैं। जर्मेनियम का जो वैलेंस शेल है वो फोर्थ है और सिलिकॉन का वैलेंस शेल थर्ड है। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन्स को फ्री बनाने में हमें कम एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ेगी।
इसके बावजूद भी हम कहते हैं कि सिलिकॉन जो है वो जर्मेनियम के मुकाबले में वाइडली इस्तेमाल होता है एज ए सेमीकंडक्टर मटेरियल। इसकी वजह ये है कि ये जर्मेनियम चूंकि अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कम वोल्टेज पर फ्री इलेक्ट्रॉन में तब्दील कर देता है, तो टेम्परेचर की वेरिएशन के साथ इसके करेक्टरिस्टिक कर्व में वेरिएशंस की चांसेस ज्यादा है। या हम कह सकते हैं कि जर्मेनियम एटम टेम्परेचर वेरी होने के साथ साथ अपने करेक्टरिस्टिक कर्व में तब्दीली ज्यादा लाता है, जबकि सिलिकॉन एटम टेम्परेचर की वजह से इतना इफेक्ट नहीं होता, यानी इसके करेक्टरिस्टिक कर्व में इतनी तब्दीली नहीं होती जितनी जर्मेनियम की हो रही है। सो इस वजह से हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर्स हाई टेम्परेचर्स पर सिलिकॉन जो है वो जर्मेनियम के मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ये वाइडली इस्तेमाल हो रहा है। फाइनली कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब ताल्लुक है, वैलेंट निकला हुआ है वैलेंस शेल से और को का मतलब है शेयरिंग। इसका मतलब है कि कोवेलेंट बॉन्ड से मुराद ऐसा बॉन्ड या ऐसा बॉन्डिंग मैकेनिज्म जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर किया जाता है। अ बॉन्डिंग ऑफ टू और मोर एटम्स बाय द इंटरेक्शन ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी दो या दो से ज्यादा एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इश्तराक को हम कोवेलेंट बॉन्ड कह सकते हैं। फिगर 1.10 में एक सिलिकॉन एटम अपने नेबर्स में से चार मुख्तलिफ सिलिकॉन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ दिखाया गया है। लाइक इस फिगर में अगर हम देखें, हम देख सकते हैं कि एक सिलिकॉन एटम ऊपर नीचे और दाएं बाएं चार और सिलिकॉन एटम्स के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। So you can see that कि इस सिलिकॉन एटम के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। इसी तरह से ये सिलिकॉन एटम भी अपने नेबर्स में से यानी ऊपर नीचे और दाएं बाएं चार डिफरेंट एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए से अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करेगा। सो थ्रू आउट द सिलिकॉन मटेरियल सिलिकॉन का हर एक एटम अपने नेबर्स में से चार चार एटम्स के साथ जुड़ा हुआ होगा। इस फिगर में भी हम देख सकते हैं कि एक सिलिकॉन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले सिलिकॉन के साथ शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है और इसी तरह से अपने राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे और नीचे साइड पर ये चार मुख्तलिफ सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। सिलिकॉन एटम शेयर्स एन इलेक्ट्रॉन विद इट्स फोर नेबर्स क्रिएटिंग 8 शेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर ईच एटम एंड प्रोड्यूसिंग अ स्टेट ऑफ केमिकल स्टेबिलिटी। जब सिलिकॉन एटम अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में पूरी कर लेता है तो वो केमिकली स्टेबल बन जाता है। शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस द कोवेलेंट बॉन्ड दैट होल्ड्स द एटम टुगेदर। फिगर 1.11 कोवेलेंट बॉन्डिंग इन एन इंट्रिंसिक सिलिकॉन क्रिस्टल। एन इंट्रिंसिक क्रिस्टल हैज नो इंप्योरिटीज। फिगर 1.11 में हम देख सकते हैं कि सिलिकॉन का क्रिस्टल शो किया गया है जिसमें आप देख सकते हो कि हर एक सिलिकॉन एटम अपने नेबर्स में से चार चार सिलिकॉन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है। याद रखिए क्योंकि जर्मेनियम के वैलेंस शेल में भी चार इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो वो भी सिलिकॉन के तर्ज पर कोवेलेंट बॉन्डिंग परफॉर्म कर रहा है। करंट इन सेमीकंडक्टर्स, जैसा कि हम जानते हैं कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले से तयशुदा एनर्जी बैंड्स या शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। हर शेल दूसरे शेल के साथ एडजेसेंट होता है बाय सम बैंड गैप या एनर्जी गैप, जहां पर किसी किस्म का इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसा कि फिगर नंबर 1.12 में शो किया गया है, एक एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एन अनएक्साइटेड एटम, यानी ऐसा एटम कि जिसमें किसी किस्म की कोई एनर्जी अप्लाई ना की गई हो और वो प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल का एटम हो। ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ 0 केल्विन टेम्परेचर पर ही पॉसिबल है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे पास सिलिकॉन एटम है, सिलिकॉन एटम का एटॉमिक नंबर 14 है, सो वी कैन सी दैट
कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। सिलिकॉन के पहले शेल में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये तीसरा शेल जो है ये वैलेंस बैंड कहलाता है, और इसका वैलेंस बैंड के अलावा जितना भी कुछ है वो हमारे पास कंडक्शन बैंड कहलाता है। सो हम देख सकते हैं कि वैलेंस बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लेकिन कंडक्शन बैंड में किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो वैलेंस बैंड को या वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को निकाल कर कंडक्शन बैंड तक लाने में जो एनर्जी इस्तेमाल होती है उसको हम एनर्जी गैप या बैंड गैप कहते हैं। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, अगर आपने लेक्चर नंबर 1 देखा हो जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में डिफरेंशिएट किया था, तो उन दोनों के बीच में एक डिफरेंस ये भी था कि इलेक्ट्रिकल में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक करंट इन्वॉल्व है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक करंट के अलावा होल करंट भी इन्वॉल्व होता है। सो अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि एन इंट्रिंसिक प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल एट रूम टेम्परेचर, जब आप प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल को रूम टेम्परेचर पर ले आते हैं तो रूम टेम्परेचर में भी इतनी थर्मल एनर्जी मौजूद होती है कि वो इस सिलिकॉन क्रिस्टल में से कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से निकाल कर कंडक्शन बैंड में जंप करवाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एक्चुअल में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। जैसा कि फिगर नंबर 1.13A और 1.13B में शो किया गया है कि जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है कंडक्शन बैंड में तो वो अपने पीछे एक वैकेंसी छोड़ देता है, एक खाली जगह छोड़ देता है वैलेंस बैंड के अंदर, और ये वैकेंसी जो है दिस इज कॉल्ड अ होल। इस खाली जगह को, इस वैकेंसी को होल कहा जाता है। दस हर दफा जब एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है बाय मींस ऑफ सम एक्सटर्नल एनर्जी तो वो अपने पीछे एक होल छोड़ता है, और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर। जैसा कि आपके इन दो डायग्राम्स में नजर आ रहा है, हम कहते हैं ये वैलेंस बैंड है और ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है। इस वैलेंस बैंड में से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कंडक्शन बैंड में चला जाता है बाय मींस ऑफ सम एक्सटर्नल एनर्जी और पीछे एक होल छोड़ देता है। इस इलेक्ट्रॉन और इस होल के कॉम्बिनेशन को एक्चुअली इलेक्ट्रॉन होल पेयर कहा जाता है। इस डायग्राम में भी यही आपको दिखाया गया है कि ये हमारे पास क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर था कि जिसमें हम एक सिलिकॉन के साथ 4 मुख्तलिफ सिलिकॉन एटम्स ऊपर नीचे दाएं बाएं जुड़े होते हैं। यहाँ पर इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल कर फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है बाय मींस ऑफ सम हीट एनर्जी तो वो अपने पीछे एक खाली जगह छोड़ देता है, स्पेस छोड़ देता है, और इस खाली जगह या इस खाली स्पेस का नाम जो है वो होल रखा गया है। व्हाट इज रिकम्बिनेशन? रिकम्बिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकम्बाइनिंग थिंग्स, यानी कुछ चीजों को दोबारा मिलाने के प्रोसेस को रिकम्बिनेशन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम कहते हैं रिकम्बिनेशन अकर्स व्हेन अ कंडक्शन बैंड यानी फ्री इलेक्ट्रॉन लूजेस एनर्जी, जब एक फ्री इलेक्ट्रॉन अपनी हासिल करदा एनर्जी को लूज करता है एंड फॉल बैक इनटू अ होल इन अ वैलेंस बैंड और वैलेंस बैंड में मौजूद किसी होल में दोबारा समाता है, सो वी कैन से दैट दिस इज नोन एज अ रिकम्बिनेशन प्रोसेस। जैसा कि फिगर नंबर 1.40 में शो किया गया है, एक इंट्रिंसिक सिलिकॉन मटेरियल है एट रूम टेम्परेचर पर, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की काफी बड़ी तादाद मौजूद होती है जो कि किसी भी एटम के साथ अटैच नहीं होती। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है थ्रू आउट द मटेरियल रैंडम मोशन जो है वो कर रही हैं। रिमेंबर इक्वल नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड आर क्रिएटेड, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो उतने ही होल्स अपने पीछे छोड़े जाएंगे। इस डायग्राम को देखें, यहाँ पर आपको रिकम्बिनेशन प्रोसेस समझाया गया है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें, हम कहते हैं जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, फ्री बनता है तो अपने पीछे होल छोड़ देता है, लेकिन यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन था इस पूरे सिलिकॉन क्रिस्टल में और वो क्या करता है अपनी एनर्जी लूज करता है और इस होल के साथ रिकम्बाइन हो जाता है। सो दिस इज द रिकम्बिनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद अ होल, इसको हम कहते हैं रिकम्बिनेशन प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन एंड होल करंट, व्हेन अ वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस अ पीस ऑफ इंट्रिंसिक सिलिकॉन, अगर आपको याद हो हमने कहा था कि इंट्रिंसिक सिलिकॉन में रूम टेम्परेचर पर काफी तादाद में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस सिलिकॉन मटेरियल में रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। अगर इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम या इनकी मोशन को हम यूनिफॉर्म बना दें, जैसा कि फिगर नंबर 1.50 में शो किया गया है,
लाइक एक बैटरी हमने कनेक्ट कर दी, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो जब आप वोल्टेज अप्लाई करोगे ये नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। यू कैन सी दैट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इस तरह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है जबकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो अपोजिट चार्जेस होने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस सिलिकॉन मटेरियल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे यूनिफॉर्म डायरेक्शंस में आ जाएंगे। शोन इन फिगर नंबर 1.15, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, यानी कंडक्शन बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे विच आर फ्री टू मूव रैंडमली इन द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, और जो इस क्रिस्टल के अंदर रैंडम मोशन कर रहे थे, आर नाउ इजिली अट्रैक्टेड टूवर्ड द पॉजिटिव एंड, और बैटरी के इस्तेमाल के बाद वो पॉजिटिव एंड की तरफ इजिली अट्रैक्ट हो रहे हैं। दिस मोमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज वन टाइप ऑफ ए करंट इन अ सेमीकंडक्टिव मटेरियल, और ये हमारे पास पहली किस्म की करंट है सेमीकंडक्टिव मटेरियल में, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट या सिंपली इलेक्ट्रॉन करंट। अनदर टाइप ऑफ करंट अकर्स इन वीबी, हेयर होल्स आर क्रिएटेड बाय फ्रीइंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और जैसा कि हमने पढ़ा कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स को फ्री बनाते हैं तो वो अपने पीछे होल्स छोड़ जाते हैं, तो ये दूसरी करंट, दूसरी टाइप की जो करंट है वो हमारे पास एक्चुअल में होल करंट है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर वैलेंस बैंड में होगा तो वो अपने एटम्स के साथ अटैच होगा और वो किसी किस्म की मूवमेंट नहीं कर सकेगा। हाँ ये जरूर है, ये अपने नियर बाई होल्स में जरूर मूव कर सकते हैं। अगर होल्स में और इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस कम है तो हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के अंदर रहते हुए किसी करीबी होल्स में जाकर एडजस्ट हो सकता है, दस लिविंग अनदर होल वेयर इट केम फ्रॉम, और जब ये इलेक्ट्रॉन निकल कर किसी दूसरे होल में जाएगा तो अपने पीछे एक नया होल छोड़ देगा। इफेक्टिवली इट सीम्स दैट द होल हैज मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और इफेक्टिवली हमें ऐसे फील होगा कि जैसे होल जो है वो मूवमेंट कर रहा है, जैसे कि फिगर नंबर 1.16 में शो किया गया है। अगर इस फिगर नंबर 1.16 में हम देखें, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इनिशियली एक इलेक्ट्रॉन जब फ्री बनता है तो वो अपने पीछे एक होल छोड़ देता है, एक खाली जगह छोड़ देता है। इस खाली जगह को कवर करने या इस होल को कवर करने के लिए एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव होता है, और अब जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ये अपने पीछे दूसरा होल छोड़ देता है और पहले होल को जो है कवर करके रिकम्बाइन हो जाता है। इसी तरह से इस दूसरे होल को कवर करने के लिए तीसरा इलेक्ट्रॉन आता है और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन अपने पीछे तीसरा होल छोड़ देता है और दूसरे होल को कवर कर लेता है। सो यू कैन सी दैट तीसरे होल को कवर करने के लिए चौथा इलेक्ट्रॉन, चौथे को कवर करने के लिए पांचवा, पांचवे को छठा और छठवे के लिए सातवां। सो आप देख सकते हो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं एक्चुअल में इन होल्स को कवर करने के लिए या इनके साथ रिकम्बाइन करने के लिए, लेकिन इफेक्टिवली हमें ऐसे फील होता है जैसे कि ये ग्रे लाइंस में आपको शो किया गया है कि जैसे होल यहाँ से यहाँ मूव कर गया और यहाँ से यहाँ और यहाँ से वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जो है वो मूव कर रहा है। सो ये इफेक्टिवली करंट जो कि हमें ग्रे कलर के एरोज में नजर आ रहा है, ये हम कह सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली द होल करंट। Although current in the valence band is produced by valence electron, और याद रखें कि करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है। It is called hole current to distinguish it from electronic current. हाँ, इसको hole current इस वजह से कहा जाता है ताकि हम इसको electronic current से distinguish करें। यानी ये current actually electrons की वजह से ही है, लेकिन इसको hole current इस वजह से कहा जाता है ताकि वो जो basic electronic current है उससे हम इसको distinguish कर सके। Thus conduction in semiconductor is considered to be either. बस हम कह सकते हैं कि semiconductor में जो conduction है, जो current है, वो दो किस्म पर मुश्तमिल है। Movement of free electrons in the conduction band or the movement of holes in the valence band. यानी conduction band में free electrons की movement, या जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं, या वैलेंस बैंड में होल्स की मूवमेंट जिसको हम होल करंट कहते हैं। विच एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू नियर बाय एटम्स, जो कि एक्चुअल में मूवमेंट है किस चीज का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही है, क्रिएटिंग होल करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। याद रखिए देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ करंट इन कंडक्टर्स, कंडक्टर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक किस्म का करंट है, क्योंकि हमें पता है कि कंडक्टर जो है वो ज्यादातर मेटल्स हैं और मेटल के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होल्स के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। डोपिंग,
इंट्रिंसिक यानी पावर सेमीकंडक्टर्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स। अगर आपको पिछली वीडियो का लेक्चर याद हो तो वहां पर हमने डिस्कस किया हुआ था कि सेमीकंडक्टर इन पावर फॉर्म्स आर नाइदर अ गुड कंडक्टर्स नॉर अ गुड इंसुलेटर्स। पावर हालत में ये न ही अच्छे इंसुलेटर्स हैं ना ही अच्छे कंडक्टर्स हैं, सो हम इसमें इम्प्योरिटीज ऐड करके इनको अच्छा कंडक्टर या अच्छा इंसुलेटर बना सकते हैं। देयर कंडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय द कंट्रोल एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। हम कह सकते हैं कि इन सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए हम इसमें इम्प्योरिटीज जो है वो कंट्रोल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज जो है उसमें ऐड करते हैं। इन इम्प्योरिटीज को ऐड करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज अ डोपिंग, यानी एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड डोपिंग। इस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं जिसमें हम पावर सेमीकंडक्टर्स में इम्प्योरिटीज को ऐड करवाते हैं। डोपिंग इंक्रीजेस द नंबर ऑफ करंट कैरियर्स इलेक्ट्रॉन और होल्स इन सेमीकंडक्टर्स। और जब भी आप डोपिंग परफॉर्म कर लेते हो तो सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स या होल्स में इन दोनों में से किसी एक की तादाद जो है वो दूसरे के मुकाबले में इंक्रीज हो जाती है। टू कैटेगरीज ऑफ इम्प्योरिटीज आर एन टाइप एंड पी टाइप। और ये जो इम्प्योरिटीज हम ऐड करवाते हैं ये एक्चुअल में दो तर्ज पर मुश्तमिल है, एन टाइप पे या पी टाइप पे। N is representing negative while P is representing positive. So N type impurities वो होंगी जो कि हमें electrons provide करे और P type impurities वो हैं जो हमें holes provide करें। N type semiconductor formation, pentavalent impurity atoms, वो impurity atoms जिनके valence shell में 5 electrons हो। Penta stands for 5 और valence stands for वैलेंस। सो हर वो इम्प्योरिटी एटम जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे पेंटावेलेंट एटम कहलाया जाएगा। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इंट्रिंसिक सिलिकॉन, और इंट्रिंसिक सिलिकॉन को कंडक्टर बनाने के लिए हमें उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को बढ़ाना होगी। सो फॉर दैट पर्पस पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स आर एडेड। इस मकसद के लिए हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज को इंट्रिंसिक सिलिकॉन में ऐड करवा देते हैं। पेंटावेलेंट की कुछ कॉमन एग्जांपल्स में आर्सेनिक, फास्फोरस, बिस्मथ और एंटीमनी शामिल है। फिगर 1.17, ईच पेंटावेलेंट एटम इन दिस केस एंटीमनी फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स विद 4 एडजेसेंट सिलिकॉन एटम्स। जैसा कि हमने पहले कहा कि हम सिलिकॉन के क्रिस्टल में या इंट्रिंसिक सिलिकॉन के क्रिस्टल में पेंटावेलेंट एटम को ऐड करवाएंगे। सिलिकॉन एटम का क्रिस्टल या सिलिकॉन क्रिस्टल जो है वो टेट्रागोनल शेप में होता है, तो ये जो इम्प्योरिटी हम ऐड करवाएंगे इसने सिलिकॉन के क्रिस्टल की शेप अडॉप्ट करनी है। सो एंटीमनी जो होगा वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को एडजेसेंट सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, जबकि एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाएगा और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स बन जाता है बिकॉज इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन एनी बॉन्डिंग, क्योंकि ये इस सिलिकॉन मटेरियल के अंदर किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा या उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। पेंटावेलेंट एटम गिव्स अप एन इलेक्ट्रॉन, और जैसा कि पेंटावेलेंट एटम हमें एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है इस वजह से समटाइम इट इज़ रेफर्ड एज अ डोनर एटम, इसको डोनर एटम भी कहा जाता है। Remember, a conduction electron created by doping process does not leave a hole in VV, any valence band. कि ये जो conduction electrons हमें मिला by means of a doping process, ये अपने पीछे valence band में hole नहीं छोड़ता। क्यों? Because it is in excess of the number required to fill the valence band. क्योंकि valence band को fill करने के लिए जो electrons हमें चाहिए थे उसमें से ये एक्स्ट्रा है। जैसा कि आपको इस फिगर में नजर आ रहा है, हम कहते हैं दिस इज अ सिलिकॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की जिसमें बीच में एक सिलिकॉन एटम और उसके 4 साइड्स पर 4 मुख्तलिफ सिलिकॉन एटम्स होते हैं। हर एक सिलिकॉन एटम अपने सेंटर वाले के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। यहाँ पर हमने सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया एंटीमनी के साथ और एंटीमनी की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स वो अपने इर्द गिर्द 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ शेयर कर लेगा। एक इलेक्ट्रॉन जो होगा उसके पास एक्स्ट्रा होगा और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्चुअली हमारे पास कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है
जो कि एंटीमनी एक एटम की वजह से हमें मिल जाता है। अगर हम एंटीमनी के 5 एटम्स ऐड करेंगे तो हमारे पास इस मटेरियल में 5 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर हम 100 एंटीमनी एटम्स ऐड करवाएंगे तो हमारे पास 100 फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जितनी नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज एटम आप ऐड करते जाएंगे उसी निस्बत से आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस सेमीकंडक्टर मटेरियल में बढ़ते जाएंगे। मेजॉरिटी कैरियर्स, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यानी वो पार्टिकल्स, वो कैरियर जिन पर चार्ज होगा, मेजॉरिटी में कौन से हैं, एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का मतलब कि वो चार्ज कैरियर्स जो कि तादाद में कम हैं। सो एन टाइप मटेरियल में हम कहते हैं सिंस मोस्ट ऑफ द करंट कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, एन टाइप मटेरियल में ज़्यादातर चार्ज कैरियर जो है वो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। सिलिकॉन और जर्मेनियम डॉप्ड विद पेंटावेलेंट एटम इज एन एन टाइप सेमीकंडक्टर। और जब भी हम पेंटावेलेंट एटम को सिलिकॉन या जर्मेनियम में डॉप्ड करवाएंगे तो हमारे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन वजूद में आएगा। द एन स्टैंड्स फॉर द नेगेटिव चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और इसी नस्बत से इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाएगा। और इस सेमीकंडक्टर में हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह से although the majority of current carriers in n-type materials are electrons, there are also a few holes that are thermally generated. باوجود اس کے کہ n-type material میں majority میں electrons ہوتے ہیں لیکن کچھ ہمارے پاس holes بھی ہوتے ہیں جو کہ thermally generated ہوتے ہیں یعنی heat energy کی وجہ سے generate ہو جاتے ہیں. These holes are not produced by the addition of the pentavalent impurity atoms. اور یہ جو ہمارے پاس holes ہوتے ہیں ان کے وجود میں آنے کی وجہ pentavalent impurity atoms نہیں ہوتی بلکہ they are thermally generated. Holes in an n-type materials are called minority carriers. P-type semiconductor کی formation میں ہم trivalent impurity atoms استعمال کرتے ہیں. اب وہ impurity atoms جس کے valence shell میں 3 electrons ہوں گے they are known as a trivalent impurity atoms. That is atoms with 3 valence electrons. So to increase the number of holes in intrinsic silicon, pure silicon میں اگر آپ نے holes کی تعداد کو بڑھانی ہے trivalent impurity atoms are added. تو ہمیں trivalent impurity atoms کو add کرنا پڑے گا یا inject کرنا پڑے گا. Trivalent impurity atoms میں boron ہے, indium ہے and gallium ہے. Figure 1.18 میں trivalent atom, in this case boron, show کیا گیا ہے جو کی covalent bonds بناتا ہے with 4 adjacent silicon atoms. اب ہمیں پتا ہے کہ silicon کا crystalline structure tetragonal تھا, یعنی ہر ایک silicon کے ساتھ اوپر نیچے دائیں بائیں 4 different silicon atoms covalent bond کے ذریعے سے mutual sharing کر رہے ہیں, جبکہ boron کے valence shell میں 3 electrons ہیں. So 3 of the boron atoms valence electrons are used in the covalent bonds. تو 3 electrons ہونے کی وجہ سے boron کے 3 electrons covalent bond کے ذریعے سے silicon atom کے ساتھ جڑ جائیں گے. Since 4 electrons are required, ایک چوتھا electron بھی required تھا جو کہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے, جس کی deficiency ہے. So the deficiency of electron is known as a hole. So we can say that a hole results when each trivalent atom is added. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم trivalent atom ایڈ کریں گے پیور سیمیکنڈکٹر میں تو ہر ایک بوران ایٹم کی وجہ سے ایک ہول وجود میں آئے گا. ٹرائیویلنٹ ایٹم کین ٹیک این الیکٹرون اور ٹرائیویلنٹ ایٹم جو ہے اس کو ایک الیکٹرون چاہیے, اس کے پاس ایکچول میں ایک الیکٹرون کی کمی ہے. سو ریفرڈ ایز این ایکسپٹر ایٹم, سو اس وجہ سے اس کو ایکسپٹر ایٹم بھی کہا جا سکتا ہے. یاد رکھیے, a hole created by this doping process is not accompanied by a conduction free electrons. اس doping process کی وجہ سے جو hole وجود میں آتا ہے, this is not because of the conduction electron. یہ conduction electron کی اس میں کوئی contribution نہیں ہے. جیسا کہ اس diagram میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ وہی silicon کا crystalline structure ہے, tetragonal shape میں ہے. یہاں پر ہمارے پاس silicon atom ہوتا تو یہاں پر 4 atoms مل کر mutual sharing کی ذریعے سے 8 الیکٹرونز پورے کرتا, لیکن یہاں پر ہم نے سلیکان ایٹم کو ریپلیس کر دیا ہے بوران کے ساتھ اور بوران کے ویلنس شیل میں 3 الیکٹرونز ہے. تو ایک الیکٹرون اس رائٹ والے سلیکان کے ساتھ, ایک لیفٹ والے کے ساتھ اور ایک نیچے والے سلیکان کے ساتھ اس نے
शेयर कर दिया, जबकि ऊपर वाले सिलिकॉन एटम के लिए शेयर करने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पर इस पूरे स्ट्रक्चर में एक गैप रह जाता है, इस गैप का नाम होल हमने रखा हुआ है, एंड होल बिकॉज ऑफ ए बोरॉन एटम। एक बोरॉन एटम की वजह से एक होल मिलेगा, तो अगर 10 ऐड करेंगे 10 होल्स हमें मिलेंगे, और अगर 100 ऐड करेंगे तो हमारे पास 100 होल्स हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ बोरॉन एटम्स की एडिशन के साथ साथ हमारे पास ये मटेरियल जो है पी टाइप मटेरियल बन रहा है, या इसमें होल्स की तादाद जो है वो इंक्रीज होती जाती है। मेजॉरिटी कैरियर्स एंड माइनॉरिटी कैरियर्स इन पी टाइप मटेरियल। सिंस मोस्ट ऑफ द करंट कैरियर्स आर होल्स, जैसा कि हमें पता है कि पी टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी तादाद होल्स की है। सिलिकॉन और जर्मेनियम डॉप्ड विद ट्राइवेलेंट एटम इज कॉल्ड अ पी टाइप मटेरियल। होल्स अक्सरियत में होने की वजह से और ट्राइवेलेंट को डॉप्ट करने की वजह से हम इस सेमीकंडक्टर मटेरियल को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। द होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स इन पी टाइप मटेरियल। इस केस में पी टाइप मटेरियल में होल्स जो है वो मेजॉरिटी कैरियर्स में है। तो लाजमी बात है, अगर होल्स हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो हमारे पास माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे। जैसा कि यहाँ पर मेंशन है कि ऑल्दो द मेजॉरिटी ऑफ करंट कैरियर्स इन पी टाइप मटेरियल्स आर होल्स, देयर आर ऑल्सो अ फ्यू कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स। कुछ हमारे पास इस पी टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे दैट आर क्रिएटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर थर्मली जनरेटेड, जो कि एक्चुअली थर्मली जनरेटेड है। दीज कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रोड्यूस बाई द एडिशन ऑफ द ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स। और ये कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास पी टाइप मटेरियल में है, जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, दे आर नॉट बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ द ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स। ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स के एडिशन की वजह से वजूद में नहीं आए। कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप मटेरियल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स, एंड दीज आर नोन एज द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल। जैसा कि आपको याद होगा कि पी टाइप मटेरियल या पी टाइप सिलिकॉन मटेरियल दो किस्म की चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक उसमें सिलिकॉन एटम्स होते हैं और एक हमने उसमें ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स, जो कि हमारे केस में बोरॉन था, वो हमने उसमें ऐड किए होते हैं। जब हम एक बोरॉन एटम ऐड कर लेते हैं तो सिलिकॉन क्रिस्टल में एक होल जनरेट होगा। अगर आप दो बोरॉन एटम को ऐड करवाएंगे तो दो होल जनरेट होंगे, और यूं जितने आप बोरॉन एटम्स ऐड करते जाएंगे उतने ही उस सिलिकॉन क्रिस्टल में होल्स की तादाद बढ़ती जाएगी। However, number of protons and number of electrons are equal throughout the material. जैसा कि हमें पता है कि अगर हम बोरॉन सिलिकॉन में ऐड करवाते हैं तो बोरॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होती है, जबकि सिलिकॉन में भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद इक्वल थी। सो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि थ्रू आउट द मटेरियल हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिमिलर यानी इक्वल रहेंगे। Thus, there is no net charge in the material and the material is neutral. इसी तरह से एन टाइप सिलिकॉन मटेरियल में भी दो किस्म की चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे पास सिलिकॉन एटम्स होते हैं और एक हमारे पास इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इम्प्योरिटीज एटम, जिसको हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ कहा हुआ था, और हमारी केस में हमने एंटीमनी की एग्जाम्पल जो है वो कंसिडर की थी। फिर हमें ये भी पता है कि जब हम एक एंटीमनी एटम सिलिकॉन क्रिस्टल में ऐड करते हैं तो उसकी वजह से हमें एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, अगर दो ऐड करेंगे तो दो, और अगर 100 ऐड करेंगे तो 100, एंड सो ऑन। हाउएवर पी टाइप की तरह एन टाइप में भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद इक्वल होती है। दस देयर इज नो नेट चार्ज इन द मटेरियल, बस इस मटेरियल पे भी कोई नेट चार्ज नहीं होता और ये मटेरियल जो है वो न्यूट्रल होता है। रिकॉल करें, पी रीजन में दो किस्म के चार्ज कैरियर्स होते हैं। पी रीजन में होल्स की तादाद ज़्यादा होती है, इस वजह से हमने इसको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का हुआ था, जबकि इसमें एक दुक्का फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे जो कि थर्मली जनरेटेड होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का हुआ था। इसी तरह से एन रीजन में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसको हमने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसिडर किया हुआ था, जबकि इस एन रीजन में इक्का दुक्का थर्मली जनरेटेड होल्स भी होंगे जिसको हमने माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसिडर किया हुआ था। इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि पी टाइप मटेरियल कब बनेगा, जब हम इसमें ट्राईवेलेंट एटम्स को ऐड करेंगे, जबकि एन टाइप मटेरियल को डेवलप करने में हमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स को ऐड करना पड़ता है। पी एन जंक्शन को कैसे डेवलप किया जाता है या पी एन जंक्शन को कैसे डेवलप किया जा सकता है।
अगर हम सिलिकॉन मटेरियल का एक पीस या ब्लॉक ले लें और उसको इस तरीके से डोप करें कि उसके एक पार्ट में हम ट्राइवेलेंट यानी बोरॉन इम्प्योरिटीज को ऐड करवाएं और उसके दूसरे पार्ट में हम एंटीमनी इम्प्योरिटीज को ऐड करवाएं, तो पी टाइप और एन टाइप के बीच में जो बाउंड्री बनेगी, दिस बाउंड्री इज कॉल्ड द पी एन जंक्शन, जो कि बन रही है पी टाइप और एन टाइप पोर्शंस के बीच में, जैसा कि फिगर नंबर 1.19a में, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में गिवन है, उसमें मेंशन किया गया है। द पी एन जंक्शन इज द बेसिस फॉर डायोड्स, मेनी ट्रांजिस्टर्स, सोलर सेल्स एंड अदर डिवाइसेस। यानी इसी पी एन जंक्शन को इस्तेमाल करके हम बहुत सारे डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स को, सोलर सेल्स को और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिनको हम डेवलप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इस फिगर में अगर हम देखें तो एक सिलिकॉन सब्सट्रेट है, इस सिलिकॉन के एक तरफ में एक पोर्शन में हमने बोरॉन को ऐड किया हुआ है और इसके दूसरे पोर्शन में हमने एंटीमनी को ऐड किया हुआ है। तो दोनों इम्प्योरिटीज को ऐड करने की वजह से एक तरफ हमारे पास पी टाइप मटेरियल बन जाता है, दूसरी तरफ एन टाइप मटेरियल। ये पी टाइप और एन टाइप मटेरियल जहां पर आपस में मीट करते हैं, इस मीटिंग पॉइंट को कहा जाता है जंक्शन, जो कि हमने यहाँ पर शो किया हुआ है कि दिस इज एक्चुअली द पी एन जंक्शन। इस फिगर नंबर 1.19a में अगर हम देखें तो हमारे पास दो रीजन्स गिवन है, एक पी रीजन और एक हमारे पास एन रीजन। क्लियरली हम देख सकते हैं कि पी रीजन में ये जो सफेद सर्कल नजर आ रहे हैं, दीज आर द होल्स, जबकि इक्का दुक्का हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है, जबकि एन रीजन में हमारे पास मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि कहीं कहीं हमारे पास थर्मली जनरेटेड होल्स भी हैं। याद रखें कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस एन रीजन में रैंडमली मोशन कर रहे होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लेशन रीजन, यानी डिप्लेशन रीजन कैसे बनेगा? द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन आर रैंडमली ड्रिफ्टिंग इन ऑल डायरेक्शंस। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि एन रीजन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रैंडमली मूवमेंट कर रहे होते हैं। एट द इंस्टेंट ऑफ द पी एन जंक्शन फॉर्मेशन, जब पी एन जंक्शन बन रहा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नियर द जंक्शन इन द एन रीजन बिगिन टू डिफ्यूज अक्रॉस द जंक्शन इन टू द पी रीजन। तो एन रीजन में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स पी एन जंक्शन को क्रॉस करके पी रीजन में दाखिल हो जाते हैं, यानी सिंपली जंक्शन को क्रॉस करके वो पी रीजन में दाखिल हो जाते हैं। वेयर दे कंबाइन विद होल्स नियर द जंक्शन, और उस जंक्शन के करीब करीब जो होल्स होंगे उनके साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं। When the p-n junction is formed, so जब p-n junction बन जाता है तो n region loses free electrons as they diffuse across the junction. तो इस p-n junction के बनने के दौरान n region ने free electrons को lose किया होता है, creating a layer of positive charge. और इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से इस एन रीजन की जंक्शंस के साथ पॉजिटिव चार्जेस की एक लेयर बन जाती है। एज द इलेक्ट्रॉन मूव अक्रॉस द जंक्शन, पी रीजन लूजेस होल्स। यही इलेक्ट्रॉन जब दूसरी जंक्शन की दूसरी साइड पे जाएंगे तो पी रीजन में जाएंगे और पी रीजन में हमारे पास होल्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इन होल्स के साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं और इसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन की वजह से एक होल जो है वो पी रीजन लूज कर जाता है। अगर दो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होंगे तो दो होल्स, अगर 100 इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होंगे तो 100 होल्स जो है वो पी रीजन लूज कर जाता है। और जब इसमें होल्स की तादाद कम हो जाएगी, होल लूज करेगा, तो क्रिएटिंग अ लेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो इस पी रीजन में नेगेटिव चार्ज की एक लेयर बन जाती है नियर द जंक्शन, जंक्शन के करीब। यानी इस पी एन जंक्शन जो हम पिछली स्लाइड में पढ़ रहे थे, इस पी एन जंक्शन के क्रॉस एक तरफ हमारे पास पॉजिटिव लेयर और दूसरी तरफ हमारे पास नेगेटिव लेयर बन जाती है। एन रीजन में पॉजिटिव लेयर बनने की वजह क्या थी कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और पी रीजन में नेगेटिव लेयर बनने की वजह यहां पर इलेक्ट्रॉन का दाखिल होना और होल के साथ रिकम्बाइन करके एक लूज होल कर जाना है। तो जितने होल जो है पी रीजन लूज करेगा उतने ही यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बनेंगे। दीज टू लेयर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, जब हमारे पास ये दो लेयर बन जाते हैं, एक पॉजिटिव लेयर और एक नेगेटिव लेयर का, ये दो लेयर्स क्या बनाते हैं एक्चुअल में, डिप्लेशन रीजन बनाते हैं, जैसा कि फिगर नंबर 1.19b में
शो किया गया है जो कि आगे स्लाइड्स में आ रहा है। डिप्लेशन रीजन क्या चीज है? डिप्लेटेड चार्ज कैरियर्स, यानी वो रीजन, वो इलाका जहां से चार्ज कैरियर डिप्लेट हो चुके हों ड्यू टू द डिफ्यूजन अक्रॉस द जंक्शन। द डिप्लेशन रीजन इज फॉर्म वेरी क्विकली, बड़ी तेजी के साथ बनता है, एंड इट इज वेरी थिन एज कम्पेयर टू द एन रीजन और पी रीजन। एन रीजन और पी रीजन के मुकाबले में इसका साइज जो है वो बहुत कम होता है। After the initial flow of free electrons across the junction, जब junction के across electron flow कर जाते हैं start में, तो depletion region expands to a point, depletion region आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है उस वक्त तक जब तक equilibrium establish नहीं होता। यानी एक point ऐसा आ जाता है कि हमारे पास equilibrium establish हो जाता है और हमारा depletion region अब मजीद expand नहीं होता। Thus, no further diffusion of electrons across the junction, और इस वक्त फिर हमारे पास मजीद electrons इस junction को diffuse नहीं कर सकते, यानी diffusion जो है वो cease हो जाता है या stop हो जाता है। In other words, हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि as electrons continue to diffuse across the junction, कि शुरू शुरू में electrons जो है वो junction के across diffusion कर रहे होते हैं, more and more positive and negative charge are created, तो ज्यादा से ज्यादा negative और positive charge जो है वो create हो जाता है near the junction, junction के करीब। A point is reached, अलबत्ता एक point ऐसा आ जाता है जहां पर total negative charge in the depletion region repels any further diffusion of electrons, यानी total negative charge इतना powerful हो जाता है या मिकदार में इतना ज्यादा हो जाता है कि वो मजीद electrons को repel करना शुरू कर देता है into the p region और उनको p region में दाखिल नहीं होने देता, and the diffusion stops, और diffusion जो है वो रुक जाता है, यानी खत्म हो जाता है, stop हो जाता है। Here the depletion region acts as a barrier, अब ये depletion region इन electrons को junction को cross करने में as a barrier के तौर पर act करता है, यानी एक रुकावट बन जाती है और further movement of electron across the junction अब possible नहीं होती। इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं, दिस इज द पी रीजन जिसमें होल्स हैं और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, दिस इज द एन रीजन जिसमें मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं और माइनॉरिटी में हमारे पास होल्स हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स यहां पर दाखिल होते हैं और होल्स के साथ रिकम्बाइन होते हैं तो पी रीजन एक्चुअल में होल्स को लूज कर रहा है, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये जितना भी एरिया है, दिस इज नोन एज अ डिप्लेशन रीजन, और डिप्लेशन रीजन और इस डिप्लेशन रीजन की वजह से यहां पर एक बैरियर, एक रुकावट बन जाती है जो कि आम इलेक्ट्रॉन्स या जो कि ये इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल रूम कंडीशंस पर अब इसको क्रॉस नहीं कर पाते। एनर्जी डायग्राम्स, पीएन जंक्शन एंड डिप्लेशन रीजन। पीएन जंक्शन और डिप्लेशन रीजन के एनर्जी डायग्राम्स कैसे होंगे? The VB and CB, यानी valence band and conduction band in n-type material, are at slightly lower energy levels than the VB and CB in p-type material. इस सेंटेंस का मतलब ये है कि n-type material में जो valence band और conduction bands होते हैं, वो p-type material के valence band और conduction band के मुकाबले में slightly lower energy levels पर होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि पी टाइप मटेरियल में ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज होती हैं और एन टाइप मटेरियल को बनाने में हमें पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज ऐड करनी होती हैं, सो द ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज एग्जर्ट लोअर फोर्सेस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देन द पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज। यानी ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज के मुकाबले में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम फोर्स एक्सर्ट करती है। Thus, electron in p-type have greater energy than the electron in n-type. So, हम कह सकते हैं कि p-type material में जो मौजूद electrons हैं, उनकी energy n-type में मौजूद electrons से ज्यादा होगी। इसी वजह से p-type के अंदर जो valence band और conduction band है, वो n-type material के valence और conduction band से higher energy levels पर होते हैं। An energy diagram for a p-n junction during junction formation is shown in figure 1.20a. अगली स्लाइड में एक डायग्राम शो किया गया है जिसमें energy diagrams for a p-n junction शो की गई हैं during junction formation. Here
VB and CB in N regions are at lower energy levels than those in P regions. यानी P regions के valence band और conduction band N region के valence और conduction band से high energy पर होते हैं. The free electrons in the conduction band of a N region can easily diffuse across the junction. और N region के conduction band में जो free electrons होते हैं वो बिना किसी additional energy के जंक्शन के एक्रॉस डिफ्यूज हो जाते हैं. टेम्परेरली बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पी रीजन और पी रीजन के कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं आफ्टर क्रॉसिंग द जंक्शन. लेकिन जैसे ही वो जंक्शन क्रॉस कर चुके होते हैं ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को क्विकली लूज कर जाते हैं और पी रीजन के वैलेंस बैंड में मौजूद होल्स के साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं. यहाँ पर इस डायग्राम में हमें शो किया गया है, ये हमारे पास पी रीजन का एनर्जी डायग्राम है जबकि ये हमारे पास एन रीजन का एनर्जी डायग्राम है. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पी रीजन का वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एन रीजन के वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड से स्लाइटली हायर लेवल पे हैं. शुरू शुरू में जब हमारे पास पी एन जंक्शन बन रहा होता है तो एन रीजन के फ्री इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन के कंडक्शन बैंड में दाखिल हो जाते हैं लेकिन वो यहाँ पर रुकते नहीं है. फौरन ये अपनी एनर्जी लूज करके इस पी रीजन के होल्स के साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं. एज द डिफ्यूजन कंटिन्यूज, जब तक ये डिफ्यूजन कंटिन्यू रहता है डिप्लेशन रीजन बन रहा होता है. एन रीजन के कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी लेवल है वो भी साथ साथ डिक्रीज हो रहा होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो है उसमें से लूज हो रहे हैं. ड्यू टू द लॉस ऑफ द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसमें से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो मुसलसल लूज हो रहे होते हैं. जल्द ही देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट इन द एन रीजन. एन रीजन के कंडक्शन बैंड में इस तरह का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचता जिसके पास इतनी एनर्जी हो कि वो अब पी रीजन के कंडक्शन बैंड में जंप कर सके. इस पॉइंट को हम कह सकते हैं कि द जंक्शन इज एट इक्विलिब्रियम. द डिप्लेशन रीजन इज कंप्लीटेड बिकॉज डिफ्यूजन हैज सीज्ड. और हमारे पास डिप्लेशन रीजन कंप्लीट हो जाता है क्योंकि अब मजीद डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं रही. There is an energy gradient across the depletion region. इस depletion region के across एक energy difference होता है which act as a energy hill, जिसको energy hill कहा जाता है. जहाँ पर N region electron must climb to get the P region, यानी N region के electrons को इतनी energy हासिल करनी पड़ेगी कि वो P region में जा सकें. हाँ, याद रखें कि valence band और conduction band के बीच में जो energy gap है वो इस तमाम प्रोसेस के दौरान सेम रहती है. इस डायग्राम में हमें शो किया गया है कि जब हमारे पास डिप्लेशन रीजन वजूद में आ चुका है दैट वाज द ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द पीएन जंक्शन. और पीएन जंक्शन कंप्लीट होने के बाद हमारे पास ये रीजन, ये सारा रीजन जो है डिप्लेशन रीजन बन चुका है. सो हम देख सकते हैं कि एन रीजन के कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन्स को पी रीजन के कंडक्शन बैंड में दाखिल होने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए और ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है इसको हमने एनर्जी हिल का नाम दिया हुआ है. कूलम्स लॉ चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन को डिस्क्राइब करता है. अगर दो अपोजिट चार्जेस होंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव. लेकिन अगर दो सिमिलर चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई होगा. सो इन डिप्लेशन रीजन मैनी पॉजिटिव एंड मैनी नेगेटिव चार्जेस ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ पीएन जंक्शन, या पीएन जंक्शन के दोनों अतराफ में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की एक लेयर होती है. The forces between the opposite charges form an electric field. ये चूंकि opposite forces हैं, opposite charges हैं, तो इनके बीच में force of attraction होती है और ये force of attraction actually electric field का बाइस बनती है, जैसा कि figure 1.19b में blue arrows के जरिए से show किया गया है. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ब्लू एरोस हमने मेंशन की हुई हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिस्क्राइब कर रही हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होता है. दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ बैरियर टू द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द एन रीजन. और यही इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में एज ए बैरियर के तौर पर एक्ट करता है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को
एन रीजन से निकलकर पी रीजन में दाखिल होने के लिए. दस एक्सटर्नल एनर्जी मस्ट बी अप्लाइड टू गेट द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव अक्रॉस द बैरियर. द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द डिप्लेशन रीजन, यानी बैरियर पोटेंशियल क्या चीज है. बैरियर पोटेंशियल एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि डिप्लेशन रीजन के अक्रॉस बन चुका है. यानी डिप्लेशन रीजन के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में बैरियर पोटेंशियल है. या हम ये भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वोल्टेज रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी वो अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के अक्रॉस मूव करवा सके इसको हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं. द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड द बैरियर पोटेंशियल. और इस पोटेंशियल डिफरेंस को एक्चुअल में बैरियर पोटेंशियल कहा जाता है. इसको नॉर्मली वोल्ट्स में हम डिस्क्राइब करते हैं. टिपिकल बैरियर पोटेंशियल फॉर सिलिकॉन इज 0.7 वोल्ट व्हाइल फॉर जर्मेनियम इट इज इक्वल टू 0.3 वोल्ट. थैंक यू वेरी मच. आई एम डॉक्टर शाह लतीफ एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल येट डू इट नाउ. थैंक यू वेरी मच.